वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त देश की बात का हो गया है। मोदी सरकार 18 सितंबर 2023 से संसद के विशेष सत्र का आयोजन कर चुकी है। ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने संसद के एजेंडे को देश के सामने रखा था। इस विशेष सत्र में सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने, JUHI 20 चंद्रयान समेत आजादी के 75 साल पूरे होने पर चर्चा कर सकती है। संसद के विशेष सत्र को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि ये विशेष सत्र आखिर क्यों बुलाया गया है, ये क्यों बुलाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, देश में इससे पहले संसद के विशेष सत्र कब कब और क्यों बुलाए गए। तो ये सवाल बहुत सारे हैं। सवाल विपक्ष के भी है। विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मॉनसून सत्र किया गया। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद से बहुत सारी बातें देश के सामने रखी। कैसे इस पुरानी संसद में बड़े बड़े फैसले लिए गए, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे उनके प्रेरणा से आगे संसद चलती रही। इस संसद का गौरवपूर्ण क्षण जो है वो पूरे विश्व ने देखा है। पूरा विश्व इसका कहीं ना कहीं ये कहें कि साक्षी बना है। इसके अलावा लोकतंत्र को इस संसद ने मजबूती दी है। लेकिन कल से नए संसद भवन में हम प्रवेश करेंगे और वहां पर बताइए जा रहा है कि बहुत सारे बिल जो है सरकार ला सकती है। अभी कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है। जानकारी मिल रही है कि इस मीटिंग में महिला आरक्षण बिल पास हो सकता है। इस महिला आरक्षण बिल को लेकर कल विशेष सत्र में पास भी करवाया जा सकता है। इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। ऐसे में सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भावुक होकर, क्योंकि किसी भी जब हम नए कदम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम पुराने लोगों को बहुत याद करते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी चीज हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें रखी हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बातें क्या थी। तो आपको आगे दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाइक भी सुनवाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ऐसे में मैं पहले आपसे कह रही थी कि जो सवाल है मन में लोगों के, वो विपक्षी दलों के भी लगातार उठ रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बहुत जल्दी से दे देती हूँ। विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया क्या है। दरअसल संसद का स्वरूप राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। हमारे संविधान के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति इस देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और संसद के महत्वपूर्ण घटक हैं। यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि संसद का महत्वपूर्ण घटक होने के बावजूद भी राष्ट्रपति चर्चा में भाग नहीं लेता। संसद सत्र बुलाने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 85(1) देता है। सरकार के संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सलाह और फिर औपचारिक निवेदन के साथ ही भारत की राष्ट्रपति इसकी मंजूरी देती हैं। हमारे देश में संसद का सत्र बुलाए जाने को लेकर कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर मौजूद नहीं है, लेकिन परंपरा के मुताबिक सरकार 3 सत्र आयोजित करती है, जिसमें एक बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। संविधान के पास संसदीय कैलेंडर नहीं है। देखिए, हमारे देश में संसद का जो सत्र बुलाए जाने को लेकर कोई संसदीय कैलेंडर तो है नहीं। आपको बता दें कि आजाद भारत में 1955 में एक कमेटी जरूर बनी थी। इस कमेटी ने प्रस्ताव दिया था कि बजट सत्र 1 फरवरी से 7 मई तक, मानसून सत्र 15 जुलाई से 15 सितंबर तक और शीतकालीन सत्र 5 नवंबर या दिवाली के चौथे दिन, जो भी बाद में समय हो वहां से आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। संविधान में कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर देखें तो भारत में संसद का सत्र 3 बार बुलाया जाता है। अब आपको बता दूं कि विशेष सत्र कब कब बुलाया गया। दरअसल संविधान में कहीं भी शब्द विशेष सत्र का कोई जिक्र है ही नहीं, लेकिन आमतौर पर अहम विधायी और राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी स्थितियों में सरकार को राष्ट्रपति के आदेश से देश के सभी सांसदों को समान अधिकार करने का देता है। साथ ही सत्र में प्रश्नकाल को हटाया जा सकता है। अभी तक इस देश में संसद के 7 विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं। जिन लोगों के मन में सवाल था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी सरकार विशेष सत्र बुला रही है, तो ऐसा नहीं है। पहला सत्र 1977 में बुलाया गया था। तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए फरवरी में 2 दिनों के लिए राज्यसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया था।
दूसरा सत्र जो है 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए जून में दो दिवसीय विशेष सत्र 158वां सत्र आयोजित किया गया था। तीसरा सत्र 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। चौथा सत्र 26 सितंबर 1997 को भारत की आजादी की स्वर्णिम जयंती का उत्सव मनाने के लिए संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। पांचवा सत्र 2008 में लेफ्ट संगठनों ने कांग्रेस की मनमोहन सिंह नीति सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद जुलाई में बहुमत साबित करने के लिए सरकार ने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया। छठा सत्र 26 नवंबर 2015 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने के लिए मोदी सरकार ने विशेष सत्र का आयोजन किया था। सातवां सत्र अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी में सुधार के लिए बीजेपी ने मध्य रात्रि में संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। और एक बार फिर से विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है, हालांकि इसकी शुरुआत आज से हो गई, लेकिन नए संसद भवन के साथ कल मुख्य तौर पर बहुत सारे बिल यहां पर रखे जाएंगे पटल पर और उम्मीद है कि बहुत सारे बिल पास होंगे। सस्पेंस भी लगातार बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हो चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराने की पुरजोर कोशिश इस विशेष सत्र में हो सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि 2024 से पहले पहले इस विशेष सत्र में बहुत कुछ अभी होना बाकी है। आपको बता दें कि कल नए संसद भवन में कार्रवाई होगी। आज एक कैबिनेट की विशेष मीटिंग बुलाई गई है और देखा जाए तो चहल पहल बहुत ज्यादा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अंदरखाने ऐसी सुगबुगाहट जो है वो देखी जा रही है। अब देखना है कि जो सस्पेंस है, जो सीक्रेट रखा है मोदी सरकार ने, इस सीक्रेट में क्या कुछ होने जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि कितने सत्र अब तक हो चुके हैं, 7 सत्र हो चुके हैं, विशेष सत्र के मैं जिक्र कर रही हूं और अब जो है वो 8वां विशेष सत्र चल रहा है। हालांकि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, इसको लेकर कोई जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बदलाव होने हैं और इसका जो मेन मकसद है, जो इसका यहाँ सरकार कह रही है, वो ये कि हम नए संसद भवन की आधारशिला जो हमने रखी थी, जिसका उद्घाटन हम कर रहे हैं, उसमें हम प्रवेश करेंगे, इस वजह से ये विशेष सत्र बुलाया गया है। 96 साल जो है इस संसद को हो चुके हैं। संसद ने बहुत कुछ देखा, आतंकी हमला देखा, बड़े बड़े फैसले संसद से लिए गए, नेहरू से लेकर इंदिरा तक, इंदिरा से लेकर नरसिम्हा राव तक, नरसिम्हा राव से अटल बिहारी वाजपेयी तक, अटल बिहारी वाजपेयी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बड़े फैसले लिए गए हैं। गौरवपूर्ण क्षण हमने देखे हैं, वो गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी जो है वो पूरा विश्व बनता हुआ नजर आया और विश्व ने उस गौरव को देखा है। तो पुराने संसद भवन में कार्रवाई का आज आखिरी दिन था, अब कल से नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए, आज बहुत सारी बातें उन्होंने पटल पर रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा आपको सुनवाते हैं। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था, आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था,
परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल रहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्षी पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा, सोचा नहीं था। तो संसद का विशेष सत्र, इससे पहले भी बहुत सारे सत्र बुलाए गए हैं लेकिन विशेष मौके पर विशेष फैसले लिए गए। अगर पिछले विशेष सत्र की मैं बात करूं तो यहां जीएसटी में सुधार के लिए बीजेपी ने मध्यरात्रि में संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया था। एक बार फिर से विशेष सत्र का आगाज हो चुका है और कल नई संसद भवन के साथ नए फैसले लिए जा सकते हैं। क्या कुछ वो फैसले हो सकते हैं और नए संसद में विशेष सत्र को लेकर किसकी क्या राय है, ये हम जानेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेपी लोहिया जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तारिक खान साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। कार्तिक सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और रविंद्र सिंह पटेल मेरे साथ जुड़े हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं लोकदल से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी जी आप ही का रुख कर लेते हैं। लोहिया साहब, संसद का विशेष सत्र कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा मौका होता है तो बुलाया जाता है। 7 बार ही बुलाया जा चुका है, अब 8वीं बार एक बार फिर से विशेष सत्र बुलाया गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें रखी। नेहरू का जिक्र कर लिया, इंदिरा गांधी का जिक्र कर लिया, लेकिन अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना वो नहीं भूले हैं। क्या इस मौके पर भी इस तरह से अपनी उपलब्धियां गिनाना जरूरी था, ये मौका था? देखिए काजोल जी,
जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आज संसद के पटल पर जो वक्तव्य रखा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक वक्तव्य इस प्रधानमंत्री का भारत देश के अंदर ऐतिहासिक वक्तव्य ऐसा रहा है नरेंद्र मोदी जी का। और जो भी उन्होंने बातें कही पूर्णतः भावता बात आत्मनिर्भर सदन के अंदर और प्रकार से रानी संसद को छोड़ने का जो गम था वो भी उनके चेहरे पे के भाव में दिखा। किस प्रकार से उत्तर देश के प्रधानमंत्री उनकी प्रसन्नता में वो भाव भी उनके चेहरे पे दिखा। और वर्तमान सरकार जो भी ऐतिहासिक निर्णय लिए इस संसद के द्वारा वो भाव भी उनके चेहरे पर निश्चित तौर पर। ये जो सत्र बुलाया गया है इसका मकसद क्या है, हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इसका मकसद क्या है। क्या सिर्फ इसका मकसद ये है कि हम नए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए हमें विशेष सत्र बुलाना पड़ा है, या फिर कुछ और वजह हो सकती है? देखिए काजोल जी, अभी आपने भी स्पष्ट किया ऐसा देश के अंदर पहली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इससे पहले भी संसद के सत्र हुए हैं, निश्चित तौर पर ये सत्र हो रहा है। मैं आप लोग के सामने इतना कह सकता कि ये भारत वर्ष का सत्र माना जाएगा, यानी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो बीजेपी छिपा रही है। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। तारिक खान साहब, विशेष सत्र, महिला आरक्षण बिल, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। आवाज पहुंच रही है अब मेरी? आ रही आपकी आवाज। आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि आज जब प्रधानमंत्री ने सुनी तो मुझे लगा ये फेयरवेल स्पीच, कहीं ना कहीं उनको ये एहसास कि अब जाने का वक्त आ गया है। फेयरवेल स्पीच ऐसा ही होती है, जब हम लोग कॉलेज में रहते थे फेयरवेल पार्टी होती थी, बाद में सभी टीचर सभी जूनियर सबसे माफी मांग लेते थे और सबकी तारीफ करते। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी साहब हमेशा अपने भाषण में इसी तरीके की? नहीं नहीं, सुई टेढ़ी होने से लेकर और प्राकृतिक आपदा के तक के लिए जिम्मेदार नेहरू साहब की भी कुछ अच्छा सुनने को अच्छा लगा, लेकिन फेयरवेल स्पीच आप उठा के देख लीजिए, इसे फेयरवेल स्पीच सबको मिला लिया जाता है। नई शुरुआत को लेकर आपने कुछ कर दिया, एक नई शुरुआत से पहले का भाषण। जी आपका सवाल, जी पूछिए। तारिक खान साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसे फेयरवेल स्पीच कहेंगे या नई शुरुआत को लेकर भाषण, कुछ बहुत बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, लोहिया साहब भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ऐतिहासिक क्या करने वाले, ऐतिहासिक कुछ नहीं करने वाले। आपने झा साहब को नहीं सुना, बिहार से आते एमपी हैं और ये अच्छी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा जो बिल लिस्टेड है बड़े नॉर्मल बिल है, उनको विंटर सेशन में भी लाया जा सकता है। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है जिसको स्पेशल सेशन बुलाए। ये आप खाली सनसनी फैलाना चाहते हैं बड़ी बात। और अगर है तो क्या लोकसभा के कान पे जाके बताएंगे कि भैया बिल है, विमेन बिल है? अरे बताइए, आप कब बताएंगे?
जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई हम ये करना चाहते, तो आप चीजों को लोकतंत्र में एक हद तक छुपाइए जिसका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं वोटों के अनुपात में, लेकिन उसको ज्यादा ज्यादा ओवर हो रहा है अगर उसे। ठीक है जी, ठीक है, वापस लौटेंगे। कार्तिकेय जी, क्या ये वही मास्टर स्ट्रोक है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मास्टर स्ट्रोक पूरा पासा पलट दिया है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जैसा कि अभी सपा प्रवक्ता ने भी कहा, मैं की बात से अपनी बात आगे दोहराना शुरू करता हूँ। जब से अगर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में, चाहे आप 2014 से 2019 के बीच में देखें, जब जीएसटी का बिल लेकर के आए थे, उस समय इन्होंने इस तरह की स्पेशल सेशन किया था। और ये अभी भी अभी कुछ हफ्ते पहले ही मॉनसून सेशन खत्म होता है, एक तरफ आप बांध पर दुहाई देते हो कि विपक्ष हमें संसद की प्राण प्रणाली चलने नहीं दे रहा है, उसमें करोड़ों रुपए दिन में खर्च होते हैं, तो इस तरीके का स्पेशल आपको बुलाने से पहले, सेशन से बुलाने से पहले जनता को बताना चाहिए था भैया कि जो चीज अभी हफ्ते भर पहले खत्म हुई है, हमको एकदम से तो बिल याद नहीं आ गया होगा कि छोटे छोटे बिल याद आ गया होगा कि नहीं अभी ये बिल ला रहे हैं, बहुत जरूरी अभी ले आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को इवेंट कैसे बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इसी बातों पर जोर होता है। अगर आप आज का भी प्रधानमंत्री जी का भाषण देखेंगे तो पहले तो बोला गया था कि 75 सालों में देश ने क्या क्या तरक्की करी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये होता है ना कि जैसे फेयरवेल स्पीच होती है, और जिस व्यक्ति ने, जिस युग पुरुष ने देश को चलना दौड़ना सिखाया था आदरणीय दिवंगत जवाहरलाल नेहरू ने, आज उनका नाम इनको लेना पड़ गया है। आज उन्हीं के औद्योगिकरण का नाम लेना पड़ गया है कि जो समय जो आधार बनाया गया था उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं, तो ये इनको समझने की जरूरत है। उसके बाद ज्यादातर वो अपना बताते रहे कि 2014 से लेकर 2023 तक हमने किया था, उसमें ये भी बताना चाहिए था कि 17वीं लोकसभा में जब से देश आजाद हुआ है सबसे कम बैठ के अगर किसी लोकसभा में हुई है तो 17वीं लोकसभा के अंतर्गत, इसको जनता को भी बताना चाहिए था। ये भी बताना चाहिए था कि जब से ये भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से संसद में अधिकांश बिल ध्वनिमत से पारित किए जाते हैं, कोई भी चर्चा नहीं होती है, कभी भी स्टैंडिंग कमेटी या किसी भी कमेटी के ये बिल रिफर नहीं करेगा, ये भी बता देना चाहिए था। किसान बिल के बारे में बोल देना चाहिए था, ये भी बोलना चाहिए था कि विपक्ष के माइक कैसे ऑफ किया जाता है, और ये प्रण लेना चाहिए प्रधानमंत्री को भी जब हम नई संसद में आएंगे तो इस तरह की कार्यवाही नहीं करेंगे, आप किसी का माइक ऑफ नहीं करेंगे। ये भी इसी 17वीं लोकसभा में, इसी संसद में ऐतिहासिक रूप से हुआ है कि पहली बार सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र की सरकार लोकसभा से वॉकआउट करती है जवाब देने की जगह। आज तक आपने विपक्ष को वॉकआउट करते सुना होगा, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी अगर वॉकआउट करते तो ये भी इसी लोकसभा में हुआ है। तो जो मुद्दे थे जिस पर ना आपने शीतकालीन सत्र में जवाब नहीं दिया था, मौसमी सत्र में देने को तैयार नहीं है, उसका देना चाहिए आपको आगे जो उम्मीद है तब से देना चाहिए। तो विशेष सत्र क्या जो जवाब नहीं दे पाई थी सरकार वो जवाब देने के लिए बुलाया है, या फिर जिसको लेकर मंथन इतने दिनों से, इतने महीनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो? देखिए, इस सरकार को, इस सरकार से देश को कोई उम्मीद है नहीं। 9.5 साल से ये देश जो ज्वलंत मुद्दे उस पर कभी भी जवाब दे नहीं सकी है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम 4 दिनों में हम ये मुद्दे को जवाब दे दिए, तैयार हो गए कोई आने का जवाब देना है। सिर्फ और सिर्फ इवेंट बना के रख दिया है। और रही अगर महिला आरक्षण की बात, 2010 में यूपीए 2 के अंतर्गत ये राज्यसभा से पास हो गया था, लोकसभा में हुआ में भाजपा से तमाम ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया था, वरना 2010 में ही जो पंचायती राज के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया था वैसा ही आरक्षण 2010 में लागू कर चुके होंगे। तो 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसके बारे में बोलना चाहिए था, हमारी चाहे CWC की मीटिंग हो, चाहे हमारी पूर्व की अध्यक्षा रही हो आदरणीय सोनिया गांधी जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि महिला आरक्षण पे आप बात करिए, उस पर लाइन दिन चर्चा करते हैं, उस पर जवाब नहीं दे पाए। तो ये बिल्कुल ही संदेह है कि 4 ऐसे छोटे बिल लेकर के आप से सत्र लाना और फिर कल कहना कि हम कल जाकर के नए संसद सत्र में बैठेंगे। अरे आपका मानसून सत्र था, देश का जनता का पैसा बचता, आपकी बातें सुन ली जाती, आप चाहते थे 15 अगस्त से 16 अगस्त के आसपास उस नए संसद में प्रवेश कर देते, लेकिन नहीं। किस तरीके से जब आप फंसेंगे, चीजों को गुमराह करना है, किस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ कर देश के सामने लेकर के आना है, किस तरीके से मुद्दों से भागना है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। ठीक है कार्तिकेय जी, रविंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी, नए संसद भवन में कल कार्रवाई होगी, लेकिन इससे पहले आज विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी स्पीच दी
जैसे कि अभी कार्तिकी जी ने कहा कि पहले 75 साल क्या कुछ हुआ वो सब बताया और फिर उसके बाद उपलब्धियां गिनाई है, सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया, संसद का जिक्र किया, लेकिन सवाल ये है कि ये जो सत्र बुलाया गया है विशेष सत्र, इसकी आवश्यकता विपक्ष कहाँ देख रहा है? देखिए, आप लोग को बड़े ध्यान से और धैर्य से मैं सुन रहा था। आपने ही अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इससे पहले भी 7 विशेष सत्र बुलाए गए हैं और ये 8वां बुलाया गया है। तो मैं थोड़ा सा खाबो ख्यालों में चला गया कि ये 7 जो बुलाए गए, मैं जोड़ने लगा और तुलना करने लगा कि 7 में 5 तो आपातकाल के लिए बुलाए गए थे, कहीं राष्ट्रपति शासन लगाना है, कहीं वो करना है, कहीं करना है, और 2 जो है, एक अंबेडकर जी वाला और ये जीएसटी वाला, रात्रि वाला, अगर 2 छोड़ दे तो 5 तो आपातकाल के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो क्या मैं ये समझूं कि आज सत्र का पहला दिन बीत गया और आने वाले 3 दिन और बचे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि देश आपातकाल की ओर जा रहा है? क्योंकि अगर इन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि विशेष सत्र की जरूरत क्या थी और इसमें किस पे चर्चा होनी है, ना तो संसद के सदस्यों से और ना देश की जनता से और ना मीडिया के लोगों से, जो देश का चौथा स्तंभ है, उसे भी इन्होंने अवगत नहीं कराया कि इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। अब सपोज करिए कि कल ये किसी मुद्दे को लेके आ जाते हैं कि हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, तो क्या देश के चुने गए प्रतिनिधि वहां जो बैठे हैं, क्या वो हर विषय के लिए मेंटली प्रिपेयर है? अगर उन्हें मुद्दा दे दिए जाए तो उसकी अच्छाई और बुराई का विवेचन वो करके, तैयारी करके वो अगले दिन बैठे होंगे वहां पे। लेकिन जिस तरीके की भूमिका, जिस तरह का माहौल पूरे देश में पैदा किया गया है, और आपके द्वारा भी बार बार ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या पाकिस्तान को भारत में मिलाने वाले हैं ये? क्या कोई स्ट्राइक करने वाले हैं ये? क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं ये? हम कल्पनाओं में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम यथार्थ में जीने वाले भारतवासी लोग हैं। इससे भी बड़ा है कुछ, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, संभव नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन 370 भी संभव नहीं था सर, 3 तलाक कानून भी संभव नहीं था, राम मंदिर भी संभव नहीं था, सारी चीजें तो हुई ना। काजोल जी, एक बात को समझना पड़ेगा कि ये चुनावी वर्ष है और आनन फानन में कोई निर्णय आप ले लेंगे। रही बात 370 की, तो 370 पे पूरा काबू था आपका, वो कहीं कोई से जीत के नहीं लाए आप, वो आपके देश का ही एक प्रदेश था जिसमें आपके देश का संविधान चलता था। कुछ जरूर बातें थी, सुन लो एक बार, कि एक सुन लीजिए मेरी बात पूरी, उस कुछ जरूर बातें थी जो हमको अलग करती थी, बाइफर्केट करती थी उन विषयों पे, लेकिन भारतीय फौज, भारत का संविधान चलता था, वहां भी चुनी गई सरकारें होती थी। इस बात को समझिए, वन नेशन वन इलेक्शन इतना आसान नहीं है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा रिहर्सल करना पड़ेगा, प्रदेश के चुनी गई सरकारों से सहमति लेनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है। ये निश्चित तौर पे हमसे पूर्व के जो हमारे आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है। मैम सुन नहीं पाया, मैं बोल रहा हूं, वन नेशन वन इलेक्शन अगर सरकार ये लेकर आती है तो इसका पूरी तरह से बॉयकॉट है विपक्ष की तरफ से, ये हम समझ लें। निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगी, और ना वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में भी नहीं है, और इसकी कई सारी ऐसी खामियां जो मैं आज गिना सकता हूँ। ठीक है, मैं सुनूंगी आपको, मैं भी गिना सकता हूँ। लोहिया जी से एक सवाल ले लूं, फिर आपको मैं सुनूंगी। लोहिया जी, अभी एक जिक्र किया, देखिए हम लगातार विशेष सत्र का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी बार बार कह रही हूँ और सुन भी रही हूँ कि कुछ बड़ा क्या होने वाला है, कुछ सस्पेंस बचा है क्या, क्योंकि नहीं पता किसी को कि क्या होने वाला है विशेष सत्र में। अभी जिक्र किया रविंद्र जी ने, और मैं भी बार बार बता रही हूँ कि कुछ ऐसे सत्र बुलाए गए थे विशेष सत्र जिसमें मोस्टली राष्ट्रपति शासन का जिक्र है, एक में जीएसटी का, दूसरे में अम्बेडकर जयंती का। इसके अलावा अब विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है और देश की जनता भी पूछ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला, क्या आपातकाल जैसी स्थिति आने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है क्या? हम तो प्रिपेयर रहे ना उस चीज के लिए। अभी मेरे मित्र रविंद्र जी ने जो बातें उठाई हैं, और मैं अपने छोटे भाई होने के नाते बड़े भाई का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने देश के सामने इतिहास को खड़ा कर दिया,
आपने बताया कि 5 बार आपातकाल के लिए सत्र को बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आखिर आज आप लोगों ने इस बात को राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने रखा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अभिन्न अंग रहेगा। एक बात आपने एक बात अभी और बोली, क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? रविंद्र जी, भारत तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। एक बात अब आता हूं मैं आपकी बात, ये समावेशी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही कहलाता है रविंद्र जी, ये अपनी हिलाने से कुछ नहीं होता। आप लोगों ने पूरे सदन के अंदर पूरे सेशन में बायकॉट के अलावा कुछ नहीं किया और निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, जिसने 370 हो, जिसने जीएसटी हो, 3 तलाक हो, ये सब कुछ आपके सामने ही देश के सामने लाया गया है और आपके रहते हुए सारी चीजों का अनुपालन इस संसद ने किया है। रही बात मेरे मित्र कांग्रेस ने और सपा वाले ने तो बात करी, अगर आप लोगों को आज प्रधानमंत्री के वक्तव्य फेयरवेल पार्टी के रूप में लगता हो तो ये आपको बधाई और आप इस फेयरवेल पार्टी की खुशी मनाते रहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फेयरवेल लगता है तो ठीक है, आपकी सोच है, क्योंकि आप लोगों ने विरोध के साथ साथ पूरे राष्ट्र का विरोध करना शुरू कर दिया है और देश की जनता आप लोगों को देख रही है। दूसरे मैं ही कहना चाहता हूँ, देश की जनता ये भी पूछ रही है कि विशेष सत्र किस लिए सर, मैं भी पूछना चाहती हूँ कि विशेष सत्र क्यों? विशेष सत्र देश के सामने जो भी सत्र के अंदर जो भी कानून जो भी बातें होंगी देश के सदन के अंदर होंगे और देश के माध्यम से पूरे देश को सामने होंगी ऐसी कोई वन नेशन एक मिनट। ठीक है, लोहिया साहब मेरी बात गौर से सुनिएगा, बाकी जो पैनलिस्ट है मैं उनसे भी कहूंगी कि मेरी बात जरा गौर से सुनिए। आप कह रहे हैं कि जो भी देश के अंदर बिल लाए जाएंगे वो नए सदन के अंदर उसको लेकर चर्चा होगी या वो पास करा लिए जाएंगे, जो भी है वो तो कल होगा जो देखा जाएगा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि मैं भी वोट करती हूँ, आप सभी लोग वोट करते हैं, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो जिक्र चल रहा है, क्या देश का अधिकार नहीं है, देश की जनता का अधिकार नहीं है कि वो जाने कि ये देश के लिए सही है या नहीं है, उनके लिए कितना सही है, क्या उनका फीडबैक जरूरी नहीं है? देखिए, संसद के अंदर 543 सांसद बैठते हैं जो पूरे देश के कानून को, क्या सांसद ने रिपोर्ट कार्ड ले लिया अपने अपने क्षेत्र का? जो भी सांसद है उन्होंने रिपोर्ट कार्ड ले लिया है? देखिए, मेरे से तो कोई पूछ नहीं आया कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, आधे लोगों को तो पता नहीं है क्या है। देखिए काजोल जी, अरे वो जो गोद में उठाए थे सांसद जी ने, जो गोद में गांव उठाए थे, वो गांव अभी गोद में है, उतर गए हैं, वो गोद लिया गया था और गांव की आप दशा जाकर देखिए कितना बदलाव उन गांव में हुआ है। आप लोगों को केवल गोद की राजनीति करनी है रविंद्र जी, और आप लोग विरोध की राजनीति करते हैं। देखिए लोहिया जी, ये वोट की राजनीति है ही, लोकतंत्र में वोट की राजनीति कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, कर क्या रहे हैं? भाषण 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 भाषण, उसके अलावा पिछले 9.5 साल में किया क्या? भाषण के अलावा देश के नौजवान आज सड़क पे है, किसान आप लखनऊ में बैठे हैं, किसान बैठा है इको पार्क में है, और हम जैसे लोग बात भी ना करें। हम पूछ तो रहे हैं कि आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड जो गोद में गांव उठाया था वो गोद में ही है, गांव उठा लिया, उसको उतार दिया उन्होंने। आप उन गांव को जाकर के देखें उनकी क्या परिकल्पना। अरे महोदय, मैं गांव का आदमी हूँ, मैं गांव का आदमी हूँ, गांव की बात कर रहा हूँ, तभी तो मैंने मुद्दा उठाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से आता हूँ और मेरे यहाँ के लोकसभा सांसद रमेश भिदौरिया जिन्होंने यहाँ पर 2 गांव गोद लिए हैं, आया भिदौरनी और बाटी गांव, और आप दोनों गांव की हालात आप यहाँ पर आकर देखिए। चलिए ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, पहले ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी बातें कही हैं जिस पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी से वापस लौटूंगी आप लोगों के पास, ग्राफिक के जरिए समझते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या क्या बातें रही और इसे कल के सत्र को लेकर किस तरह से करेक्ट किया जा रहा है, समझते हैं ग्राफिक के जरिए।
तो पुरानी संसद से पीएम मोदी की आखिरी बड़ी बातें क्या रही, मेरे देशवासियों के पसीने मेहनत और पैसे से ये संसद बना है। नई इमारत में जाने का मतलब ये इमारत भविष्य की पीढ़ियों से प्रेरणा, नई संसद भारतीय लोकतंत्र की यात्रा की एक मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी, नई संसद दुनिया को भारत के लोकतंत्र की परिभाषा बताती रहेगी। आज भारत की छवि दुनिया भर में बदली, आज दुनिया भारत के चंद्रयान 3 की सफलता से भारत की ताकत देख रही है, देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता है। भारत ने G20 की मेजबानी की और ये सफलता किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की रही। देश ने मुझे इतना सम्मान और तवज्जो दी जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। देश में सभी ने कड़ी आलोचनाओं का सामना किया लेकिन ये संसद की शक्ति है जो परिवार जैसी भावना पैदा करती है। बहुत कठिनाई थी लेकिन इसके बावजूद सांसद संसद में आए और निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हम कोविड के दौरान भी आए और हमने कर्तव्य का पालन किया। राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू तक का मार्गदर्शन इस संसद को मिला है। इस संसद ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह का समय भी देखा जिन्होंने इस देश को दिशा दी है। इस संसद उन लोगों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने आतंकवादियों द्वारा संसद पर हमला किए जाने पर संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण नछावर किए थे। देश की संसद की ताकत ने पूरे विश्व को गलत साबित किया और राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ा। बहुत बड़ा अचीवमेंट था और देश के सामान्य मानविका इसका इस संसद पर विश्वास बढ़ता गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी बातें, पुरानी बातें जिक्र की गई हैं लेकिन बहस अब भी जारी है कि कल क्या कुछ बड़ा होने वाला है। एक बड़ा ही सम्मानित पैनल मेरे साथ बना हुआ है। तारिक खान साहब, आपने बहुत सारी बातें लोहिया साहब की सुनी है और अभी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें कही उसको भी सुना। देखिए यहाँ एक जिक्र किया गया, मतलब देखा जाए तो भावुकता से पूरी बातें रखी गई, यहाँ पर तारीफें भी की गई हैं कि चाहे यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों या फिर राष्ट्रपति रहे हों, उनका मार्गदर्शन, उनकी दिशा मिलती रही। मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है, यानी ये मानती है सरकार की हाँ वो दिशा थी और दिशा के तहत देश आगे बढ़ता रहा है। नहीं, मुझे ये परिवर्तन की वजह नहीं समझ में आ रही। कल तक तो नहीं था, कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने नहीं सुना था। अचानक हृदय परिवर्तन हो गए, लगता है लोहिया साहब कुछ छुपा के बैठे हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। जी क्या कह रही है मैम? मैं ये कह रही हूँ लोहिया साहब मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ तो पता है इन्हें लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, कोई मजबूरी हो सकती है शायद। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप परिवर्तन हो अच्छी बात है लेकिन प्रधानमंत्री की बातें, संसद की बड़ी बड़ी बातें क्यों? किसी संसद में जो मंत्री थे उन्होंने अभद्रता की, उनके कार्रवाई नहीं हुई और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को यही किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, बहुत सारे भाषा उन्होंने प्रयोग किया, यही तो देखा, माइक भी बंद होते हुए देखा। अगर उन्होंने अच्छी बातें बताई थी तो अपने अपने कार्यकाल चीजें और थी कि आपने माइक भी बंद कराया, यहां पर बोलने नहीं दिया गया, सस्पेंशन भी हुआ, वेट नहीं किया गया, तमाम एक दो चीजें नहीं, अच्छा बुरा दोनों याद है। विपक्ष का काम यही कि जब आप अपनी गुणगान में मगन रहे और अपनी माला जपते रहे कि बहुत बड़ा काम कर दिया, आपको तीन से जगाए और बताए आप कि आपने ये सब काम गलत किया है, जनता आप फल देगी और आपको सत्ता से उतार कर पैदल कर। ठीक है कार्तिकी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 5 दिन का सेशन है, बिल में क्या स्पेशल है इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का एक सवाल मैंने यहाँ पूछा था लोहिया साहब से, कहते हैं कि हाँ जो हमारे सांसद हैं वो लगातार इसको लेकर जनता के बीच हैं,
क्या कांग्रेस भी इसको लेकर जनता के बीच है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो सरकार कोशिश कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन डालने की, वो कितना सही है कितना गलत है? एक बार क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, आवाज आपकी बहुत, कार्तिक जी आवाज आ रही है मेरी? कार्तिक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, आवाज नहीं आ रही सर। मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा सबसे ज्यादा है, एक तो महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा है। पहली बात तो ये कि महिला आरक्षण बिल को लेकर मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आप जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, महिलाओं ने कौन कौन से मुद्दों का जिक्र किया? ये महिला आरक्षण बिल की चर्चा तो बहुत पहले से हो रही है, क्या किसी महिला ने इसका जिक्र किया? आवाज बिल्कुल ही ब्रेक हो जा रही है। ठीक है कार्तिक जी, वापस लौटेंगे आपके पास। रविंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, सरकार हमारे 9.5 साल बाद उन्हें इस बात का कम से कम इल्म हुआ कि मनमोहन सिंह साहब का इस देश के विकास में योगदान है, नेहरू जी का योगदान है, अटल जी का है, चौधरी चरण सिंह का है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का है, और इतनी बड़ी बात उन्होंने बता दी। हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि देश ये संसद बनाने में देश के मजदूरों का पसीना बहा है, देश की जनता का पैसा लगा है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, हम लोग जानते ही नहीं थे। आज उन्होंने बता करके हम लोग को धन्य कर दिया। हम लोग अभिभूत हैं कि कम से कम हमारे देश के संसद भवन के अंतिम दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम लोग का ज्ञानार्जन किया, हम लोग ज्ञानी हो गए कि संसद को बनाने में देश का पैसा लगा, देश के मजदूरों का पसीना बहा। हम लोग जानते नहीं थे ये बात, ये तो आज जाने हैं हम लोग, और कल और जानेंगे कि जो नया संसद बना है उसमें भी देश का पैसा लगा है और देश के मजदूरों ने बनाया है, एलएनटी ने बनाया है, ये हम लोग नहीं जानते, ये हम लोग कल जानेंगे। यही इवेंट देखना तो चाहते हैं हम लोग, देश की जनता यही इवेंट तो देख रही है 9 साल से। अच्छा अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, आप कह रहे थे कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप गिना सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए सही नहीं है, क्यों सही नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन? क्योंकि इसके तो बहुत सारे फायदे हमने बीजेपी से सुने हैं, तो उसके नकारात्मक बातें हमसे सुन लीजिए। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए देश के हित में नहीं है कि प्रदेश के जो चुनाव होते हैं, जो प्रदेश का चुनाव होता है वो प्रदेश के मुद्दों पे है, और जो केंद्र का चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है। हमारा देश विविधताओं में बंधा हुआ एक ऐसा गुच्छ है जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा विशाल प्रदेश है जिसकी आबादी शायद आधे देश के आधी आबादी के लगभग है, रविंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक, मेरी आवाज? हाँ आ रही है अब आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है जी। मैंने कहा किन्हीं कारणों से अगर किसी प्रदेश की सरकार अपदस्थ होती है तो क्या उसका चुनाव 5 वर्ष तक बाधित रहेगा या फिर वही 6 महीने में मध्यावधि चुनाव हो जाएगा? तो क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है, कहीं हंग असेंबली आती है, तो उसे कैसे हम वहां वहां पे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना पाएंगे? इन विषयों पे निश्चित तौर पे अभी और चिंतन गहन मंथन करने की जरूरत है। यूसीसी को लेकर भी लगातार बातचीत चल रही थी, हो सकता है कि इस विशेष सत्र में यूसीसी को लेकर भी बिल लाने की कोशिश की जाए। निश्चित तौर पे देखिए देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को जनमत दिया है, जनादेश दिया है, वो इस देश के इस समय महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हर बार वही बनासकांठा, वही उनका गुजरात का रेलवे का बच्चा, चाय का बच्चा, और ये कहानी नहीं चलेगी। अरे अच्छा, भाई वो जंजीर का बूट पॉलिश करने वाला वो अमिताभ बच्चन अब बड़ा विलेन बन चुका है या हीरो बन चुका है, अब उसके बाद की कहानी दिखाइए ना। अच्छा
कब तक चलेगा कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, ये नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, पहले भी बहुत सारे बिल को लेकर विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन सरकार उन बिलों को ले आई, वो फैसले ले ही लिए। बहुत काजोल जी, एक बात और पूरी कर लो, उसके बाद आप सवाल ले लीजिएगा। हाँ। पहले के विपक्ष में और आज के विपक्ष में, इंडिया गठबंधन बनने के बाद में अंतर है। इस बात को हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी समझ रहे हैं, हम विपक्ष के लोग भी समझ रहे हैं, और जनता जो बैठी दूर देख रही है दर्शक की भूमिका में, वो भी समझ रही है कि अब वो खंड खंड विघटन वाला विपक्ष नहीं है, संयुक्त रूप से इंडिया बन चुका है। और यही तिलमिलाहट है जो ये बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं। हाँ। आज ये इंडिया का डर है, जो विशेष सत्र बुलाए गए हैं ये अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, और वो जिस तरीके का भ्रम फैलाए हैं, अगर ये ऐसे ऐसे किसी देश के हित में न होके कई फैसला ले लेते हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये वचन देते हैं कि आने वाली अगली सरकार में इनके इस विशेष सत्र के फैसले को हम सब लोग निश्चित तौर पे पलट देंगे। ठीक है, लोहिया साहब सुना आपने, पक्का जानिए, सुना आपने। लोहिया साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी रविंदर जी की बातों से दो बातें तो स्पष्ट हो गई। एक तो ये कि उनको एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो उनको पच नहीं गया। अकेले तो, वही गरीब के बेटे नहीं है। दूसरी बात, जो रविंदर जी ने जो बात कही वन नेशन और वन इलेक्शन की, रविंदर जी के जो पूरा इनका जो गठबंधन है, इनकी बातों से ऐसा लगता है वो इसके बिल्कुल विरोधी। दूसरी बात, अब मैं बात कहना चाहता हूँ, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक बार डिबेट भी, काजोल जी आपकी के माध्यम से डिबेट में बैठे, इसमें देश का बहुत फायदा है, और जिसमें जो रविंदर वो सवाल उठाए निश्चित तौर पर एक, अब जो चुनाव सर पर आ गए हैं तो एकदम से क्या जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन की। माध्यम से देखिए, मानता हूं कि केंद्र के और राज्य के सारे अपने मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मुद्दे राज्य के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब प्रक्रियाएं हैं, और एक प्रक्रिया के अंतर्गत सारी चीजों को पटल पर रखा जाएगा, और पूरे सदन के सामने, क्योंकि इसमें बहस होगी, इसमें सारी, अगर कहीं कोई चीज गलत होगी तो सर्वसम्मति से उसको ठीक भी किया जाएगा। ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको डिनाय करना मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। जो क्या वाकई ये देश हित में सोचने वाली चीजें हैं, या फिर जो ये गठबंधन बना है इसके सामने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश सरकार कर रही है? काजोल जी मैं इतना कहूंगा, गठबंधन का केवल नाम ही बदला है, चेहरे वही हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे जनता को बचाने के ये साथ खड़े हैं, पूरा देश जानता है। निश्चित तौर पे सारे भ्रष्टाचारियों को आपने अपने यहाँ बुला लिया है। गाली देता था, कौन किसको भ्रष्ट बोलता था, ये मैं इस मुद्दे पर बहस में जाना तो ऐसा तो एनडीए में भी है ना सर, ऐसा नहीं है कि एनडीए में गठबंधन नहीं है। केवल गठबंधन का नाम बदला है, यूपीए को दफना कर इन्होंने केवल गठबंधन का नाम बदला है, गठबंधन के लोगों को नहीं बदला, गठबंधन के लोगों के चेहरे वही है, उनकी सोच वही है, उनकी मंशा वही है, केवल मोदी विरोध करना है, मोदी विरोध के साथ साथ राष्ट्र का विरोध करना है, उनकी मानसिकता सिर्फ यही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ काजोल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र हित के फैसले करते हैं, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए फैसले करते हैं, जो उनके जीवन को सुदृढ़ बनाए, उनके जीवन में खुशहाली लाए, और भारत की अर्थव्यवस्था एक सबसे अग्रणी रहे। देश हित के फैसले नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेगी, चाहे वो 370 की बात रही हो, चाहे वो 3 तलाक की बात रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, चाहे वन नेशन वन। अरे भाई, आप लोग जीएसटी विरोधी थे, आप लोग जीएसटी विरोधी थे, आपने जब यूपीए ने जीएसटी लाया था तो हमने उसका विरोध किया था, हमने आप एफडीआई विरोधी थे, आप एफडीआई विरोधी थे, और बाद में आपने एफडीआई को
भारत के सैन्य व्यवस्था में भी डाल दिया, सैनिक भारत की मिलिट्री में भी एफडीआई डाल दिया आपने, तो आप तो आप मनरेगा विरोधी थे और आपने मनरेगा का बजट डेढ़ गुना कर दिया, तो आपके यहाँ कैथनी और करनी का कितना भेद है इस बात को हम बिंदुवार बोल सकते हैं। आप इस बात को ना समझाइए, आप सिर्फ विशेष तत्व पे बोलिए, विशेष तत्व पे बोलेंगे अच्छा लगेगा हमको भी और काजोल जी को भी, आप विशेष तत्व पे बोलिए। काजोल जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, रविंद्र जी आप मेरे से बड़े हो, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन मेरी भी बात रखनी। भाई डिबेट करने बैठे हैं तो भाई भाई तो है आप मेरे, लेकिन आप चर्चा करने बैठे। आप मुझे बता दीजिए विशेष सत्र क्यों बुलाना पड़ा है, क्या वजह है, क्यों इतना सस्पेंस बनाया हुआ है, देश जानना चाहता है, सिंपल। काजोल जी संसद जब सारी चीजें होंगी और पूरा देश देखेगा, ये लोग भी देखेंगे, चर्चा भी होगी और निश्चित तौर पर सर्वसम्मति से सारी चीजों का फैसला किया जाएगा। सर्वसम्मति से हो जाएगा। डर क्यों हो रहा है? ठीक है, संख्या बल है आपके पास लोकसभा में, राज्यसभा में कहां से लेकर आएंगे? भारत की सरकार ने संसद का स्टार की थी उसके ऊपर। लोकसभा में संख्या बल है, राज्यसभा में कहां से लेके आइएगा सर? राज्यसभा में जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो राज्यसभा में कहां से लेके आइएगा संख्या बल, ये बता दीजिए मुझे बहुत जल्दी से। काजोल जी जो राष्ट्र हित की बात करेगा वो राज्यसभा में भी पास कराएगा, वो लोकसभा में भी पास कराएगा। ठीक है, इसका इंतजार हम करेंगे। क्या क्या नए संसद भवन में देखने के लिए मिलेगा, क्या क्या बड़े फैसले ऐतिहासिक देखने के लिए मिलेंगे? कार्तिक जी एक आखिरी कमेंट आपसे, लगातार बातचीत हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बिल है वो पास हो सकता है, यूसीसी को लेकर बिल पास हो सकता है, महिला आरक्षण ठीक है, उसको उसका विरोध मैंने अभी तक नहीं देखा है कि विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन आसानी से क्या पास सरकार करा पाएगी, और नहीं करा पाती है तो क्या फैसला थोप दिया जाएगा जैसे पहले थोपे गए हैं, जिस तरह के आरोप आप पहले भी लगाते रहे हैं? अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट। अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ जी। मैं कहा सरकार का लोकतंत्र संस्कृति कार्य प्रणाली में कोई विश्वास नहीं है, आपको पता हो कोरोना में किस तरीके से इतना महत्वपूर्ण किसान बिल लेकर के आए, डेढ़ सालों में 700 किसानों की शहादत हो गई, प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ नहीं निकला था, उस दिनों बाद आके ये जरूर हुआ था कैमरे के सामने आपने समझा नहीं पाया, माफी मांग रहे थे, जाता है इनको संसद में कुछ बोलने नहीं होता है, बड़ी मुख से पास कर लेते हैं बिल को, सांसदों के विपक्ष की सांसदों को माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिए जाते, संसद से बाहर कर दिया जाता है, और कुछ समय बाद जाते हैं हाथ जोड़ के रोते हैं माफी मांगते हैं, तो देश का कितना नुकसान होता है, देश की जनता का कितने पैसों का नुकसान होता है, उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए था। जैसे मैंने अपने आरंभ में कहा था कि अगर इतनी चिंता थी इन चार बिलों की, अगर इनकी नीति साफ है जो कि पिछले 9.5 साल में कभी दिखी नहीं है, तो मानसून सत्र था, क्यों आप सांसदों का समय नष्ट कर रहे हैं, इंतजार करते हैं, एक और दिन है और ये अंतिम रात है, भारी है विपक्ष के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए भी भारी हो सकती है क्योंकि राज्यसभा से भी सारे बिल पास कराने ही होंगे, तो बड़ा फैसला है, बड़ा मौका है, ऐतिहासिक क्षण का इंतजार हम भी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विशेष सत्र का आयोजन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने ऐतिहासिक क्षणों की बातचीत की पुराने संसद भवन में, लेकिन हम कल नए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इंडिया एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तो अब देखना यह है कि कौन कौन से बिलों पर चर्चा होती है और इन बिल को पास कराना सरकार के लिए कितनी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।